सो गाइस मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं कि भाई हम अपना ओमनी कार्ड का अकाउंट कैसे डिलीट कर सकते हैं। बेसिकली आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप अपना ओमनी कार्ड का अकाउंट कैसे आप डिलीट कर पाओगे। लेकिन अकाउंट डिलीट करने से पहले आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास अकाउंट है ओमनी कार्ड का तो आप ओमनी कार्ड का अकाउंट यूज कीजिए, क्योंकि भाई डेफिनेटली मैं श्योर हूं कि आने वाले टाइम में ओमनी कार्ड सबसे बेस्ट अकाउंट होगा। क्योंकि देखो हर एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ ऐसा रीजन आ रहा है जिससे वो एप्लीकेशन यूज करना हम छोड़ रहे हैं, लेकिन ओमनी कार्ड में मेरे को आज तक कुछ भी ऐसा रीजन मेरे को देखने को नहीं मिला है। फिर भी आप लोग समझदार हो, आपका जो भी काम रहेगा आप सोच समझ के ही करोगे। बेसिकली इस वीडियो में आप लोग का ये बताने वाला हूं कि आप कैसे डिलीट कर सकते हो। सो वीडियो ज्यादा लंबा ना करते हुए सीधे आपको मोबाइल के स्क्रीन पे लेके चलेंगे। अकाउंट हमारा डिलीट होगा या नहीं होगा पूरा कंफर्म हो जाएगा, अगर डिलीट होगा तो किस तरीके से हम अपना अकाउंट डिलीट कर पाएंगे। सो चलिए वीडियो ज्यादा लंबा ना करते हुए सीधे आपको मोबाइल के स्क्रीन पे लेके चलते हैं। स्क्रीन पे जाने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे कहीं से भी भूले भटके आ चुके हैं तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सपोर्ट मेरे को बहुत ही महत्व रखता है एंड फ्यूचर में वीडियो लाने का भी और एनर्जी मिलता रहेगा। अब चलिए आप मोबाइल के स्क्रीन पे। सो हम आ चुके अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पे। सबसे पहले तो करना क्या होगा, आपको अपना आईडी ओपन कर लेना है। बेसिकली यहाँ पे देख लीजिए मैं अपना एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद अगर आपके यहाँ पे पासवर्ड मांगा जाए तो पासवर्ड दे दीजिए, एंड उसके बाद आप लोग को अपना यहाँ पे आईडी को है लॉगिन कर लेना है, साइनअप कर लेना है। सो यहाँ पे देख लीजिए मेरा यहाँ पे ऑलरेडी साइनअप है, मैं इसे यूज करता हूँ फिलहाल के टाइम में। अगर इसका ट्रांजेक्शन का बात करें तो यहाँ पे कार्ड के सेक्शन में जाएंगे हम लोग। यहाँ पे देख लीजिए अभी यहाँ पे ट्रांजेक्शन आप लोग को देखने को मिल जाएगा। यहाँ मैं यूज करता हूँ इसको, बेसिकली यहाँ पे पैसा ऐड करता हूँ, पैसा ट्रांसफर करता हूँ, क्योंकि ये काफी अच्छा है, बेस्ट है, इसका सर्विस काफी अच्छा है। तो अगर फिर भी आपका मन नहीं मानता है, आपको अकाउंट डिलीट करना ही है, तो यहाँ पे आप प्रोसेस देख लीजिए। अपना अकाउंट ओपन करने के बाद ये सेम यही डैशबोर्ड आ जाएगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे आइकन पे क्लिक कर देना है, प्रोफाइल आइकन पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका नाम एंड आपका जो प्रोफाइल आइकन रहेगा यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलेगा हेल्प एंड सपोर्ट का, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका अलग अलग ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि प्रोफाइल का हो गया, आपका अकाउंट का हो गया, कार्ड का हो गया, ट्रांजेक्शन हो गया, ऑफर का, ये का। तो यहाँ पे आपको अकाउंट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे में आओगे तो नीचे में देख लीजिए डू आई एड डिलीट माई रजिस्टर अकाउंट, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका अकाउंट सिर्फ एक ही बार में रजिस्टर हो सकता है, एक ही बार में आपका यहाँ पे प्रोसेस होगा। यहाँ पे परमानेंटली आपका जो अकाउंट रहेगा वो आपके नाम पे ही एड कर दिया जाता है। दोबारा यहाँ पे कैन नॉट बी चेंज्ड एंड रिमूव का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि दोबारा आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते कुछ भी या रिमूव नहीं कर सकते। जैसे कि एक बार आपका नंबर एड हो गया तो चेंज नहीं होगा, एक बार आपका यहाँ पे नाम जो डेट ऑफ बर्थ जो ऐड हो गया वो चेंज नहीं हो सकता। अभी फिलहाल के टाइम में ये अभी इसका प्रोसेस है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पूरा इंक्वायरी करके ही मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए अभी फिलहाल के टाइम में यहाँ पे नहीं बताया गया है कि कैसे आप डिलीट कर सकते हो, सिर्फ यही बताया गया है कि आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी आप लोग यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। सो लास्ट एक ऑप्शन बचता है नीचे में, यहाँ पे देख लीजिए चैट विद अस, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो मैसेज का ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे आप लोगों को अपना मैसेज करना है। जैसे मैंने ये स्टार्टिंग में अभी मैसेज किया, हेलो सर हाउ टू डिलीट माई अकाउंट परमानेंटली, इट्स पॉसिबल या नॉट, यहाँ पे मैंने ये मैसेज किया। सो उधर से आया हाय व्हाट डू यू वांट टू डिलीट, यहाँ पे पूछा गया रीजन कि किस रीजन से आप डिलीट कर रहे हो। यहाँ पे रिप्ले थोड़ा लेट आता है, तो यहाँ पे देख लीजिए एक मिनट बाद ही मेरे को रिप्ले आया था, थोड़ा सा टाइम लगा था। तो यहाँ पे मैंने दोबारा मैसेज किया था आई वॉन्ट टू डिलीट माई अकाउंट परमानेंटली, इट्स पॉसिबल या नॉट। तो यहाँ पे उन लोगों ने पूछा कि यहाँ पे आप अपना अकाउंट किस रीजन से डिलीट करना चाहते हो, क्यों डिलीट करना चाहते हो। मैंने इधर बोला कि बिकॉज आई हैव टू अकाउंट। यहाँ पे रिप्लाई आया प्लीज शेयर एंड ईमेल टू अस, इन लोगों ने अपना जो पर्सनल ईमेल है मतलब कि जो कंपनी का ईमेल है ओमनी कार्ड का यहाँ पे दे दिया। एंड यहाँ बताया जा रहा है कि आपको अपना अकाउंट डिलीट करने का यहाँ पे रीजन बताना पड़ेगा, प्लस आपका जो मोबाइल नंबर उसमें रजिस्टर है वो आपका मोबाइल नंबर सेंड करना पड़ेगा। मैंने इनको बोला थैंक यू सो मच फॉर रिप्ले में, यहाँ पे देख लीजिए इनका काफी बेस्ट सर्विस है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे ऐसा खराब हो। दोबारा आप यहाँ पे चैट करना चाहते हो तो रीओपन चैट पे आप करके क्लिक कर सकते हो। सो अब रह गया कि अकाउंट डिलीट करने के लिए करना क्या पड़ेगा, तो सिंपल से इस मेल पे आप लोगों को टैप करना है। जैसे मैंने ये मेल पे टैप किया, टैप करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका मेल ओपन हो जाता है, या अदरवाइज नहीं होता है तो आप यहाँ से इस मेल को कॉपी कर लीजिए। जैसे मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी कर लेने के बाद आपको अपना जीमेल आईडी ओपन करना है, वही मेल ओपन करना है जिससे आपका ओमनी कार्ड रजिस्टर हुआ पड़ा है। सिंपल से यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया, उसके बाद यहाँ पे कंपोज पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो वो आपका मेल आ जाएगा। उसके बाद टू में पूछा जा रहा है तो आपको यहाँ पे सिंपल सा वही मेल यहाँ पे डाल देना है, बाकी ये डिलीट कर देना है। इनका जो मेल है care@omnicard.in ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हमने ये यहाँ पे कर दिया, एंड उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए नीचे में भी आ रहा है कि आपको यहाँ पे ऐड करना है तो कर सकते हो, तो ये मैंने ऐड कर दिया। ये इनका ऑफिशियल मेल है, सब्जेक्ट में यहाँ पे डाल देना है हाउ टू डिलीट माई अकाउंट परमानेंटली।
सो मैंने ये फिल कर दिया हाउ टू डिलीट माई अकाउंट परमानेंटली। एंड नीचे में यहाँ पे आपको यही फिल करना है कि आई वॉन्ट टू डिलीट माई अकाउंट परमानेंटली बिकॉज आई हैव टू अकाउंट, एंड आपको अपना नंबर यहाँ पे ऐड कर देना है। सो क्या करना है आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, मैंने यहाँ पे फिल कर दिया आई वॉन्ट टू डिलीट माई अकाउंट परमानेंटली। नीचे में आप लोग यहाँ पे देना है वॉन्ट टू डिलीट या क्लोज माई अकाउंट परमानेंटली बिकॉज आई हैव टू अकाउंट, यहाँ पे ये फिल कर देना है। एंड नीचे में माई मोबाइल नंबर, यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर लिख दिया। तो सो आपको यहाँ पे स्टार में अपना नंबर नहीं लिखना, रीजन क्योंकि मैं स्टार में इस वजह से बता रहा हूँ भाई, मेरे को सिक्योरिटी इशू हो सकता है, इस वजह से आपको यहाँ पे अपना नंबर यहाँ पे फिल करना है, टोटल आपका नंबर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में थैंक यू लिख के यहाँ पे आपको एरो मिलेगा, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो उधर से या तो आपको मेल आएगा या नहीं तो आपके नंबर पर कॉल किया जाएगा। एक कन्फर्मेशन के लिए यहाँ पे मेल आ सकता है कि आप अपना परमानेंटली अकाउंट डिलीट करना चाहते हो, तो यस बोलिए, यस आपको लिख के भेज देना है। या अदरवाइज सिंपल सा जैसे आप यहाँ पे आप नंबर अपना इनको मेल करोगे तो उधर से कॉल आ जाएगा, रीजन पूछा जाएगा किस रीजन से अपना अकाउंट डिलीट कर रहे हो, तो बोल देना मेरे पास दो अकाउंट है सो इस वजह से मैं अपना अकाउंट एक डिलीट करना चाहता हूँ। फिर आपका यहाँ पे 24 से 48 घंटे के बीच में आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। सो अब आप लोग यहाँ पे ये समझिए कि ये अकाउंट डिलीट होगा या नहीं होगा। तो देखो डेफिनेटली आपका अकाउंट डिलीट होगा, आप लोग सब कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन समझ चुके हो कि कैसे आप लोगों को अपना अकाउंट डिलीट करना है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो भाई वीडियो को जोर शोर से एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कर देना। एंड चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम कहीं से भी आ चुके हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर सपोर्ट कीजिए हमें, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे को बहुत ही महत्व है। सो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।